करनाल के SBS पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं मौजूदा विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह में छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनकी उपस्थित अभिभावकों एवं अतिथियों ने सराहना भी की। इस मौके पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया एवं स्कूल प्रबंधक कमेटी को सदस्यों को स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के उपरांत पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्कूल द्वारा गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए किए जा रहे बेहतर कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यह स्कूल लगभग 103 साल पुराना है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा देना है, ना कि शिक्षा के क्षेत्र में पैसा कमाना है। उन्होंने कहा कि SBI सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 100 साल पूरा हो चुका है और जिसका इतिहास रहा है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र अपने अपने क्षेत्र में नाम कमा चुके हैं। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मौजूदा सरकार में हुए धान घोटाले की CBI जांच की मांग करते हुए कहा कि इस मामले में CBI जांच में ही दोषियों के बारे में जानकारी मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसान ही पूछ रहा है और हर सीजन में किसानों के साथ धोखाधड़ी की जाती है। गौरतलब है कि किसान यूनियन भी धान घोटाले के मामले में CBI जांच कराने की मांग कर चुकी है। इस मौके पर उनके साथ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व चेयरमैन सरदार त्रिलोचन सिंह, कांग्रेसी नेता अशोक खुराना, बाबा हरि राम शब्बा, रघुबीर संधु, शुक्ल प्रबंधक कमेटी के सभी पदाधिकारी सदस्य, बच्चों के अभिभावक एवं बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। समाज को शिक्षित करना, उसी पर हमारे जवान कुलदीप जी और सारे साथी काम कर रहे हैं। मेरे को बड़ी खुशी हुई है। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के ऊपर कोई कार्यक्रम? नहीं, तो इनका स्कूल का था, लेकिन आज गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस है। देखो, आज जो जिन उनके लिए उन्होंने अपनी शहीदी दी, देश के लिए, आपस में भाईचारे के लिए, वो उन मूल्यों को लेकर हमारे को आगे चलना चाहिए, क्योंकि उनकी बड़ी भारी कुर्बानी थी, बहुत भारी शहीदी थी। कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने देश के लिए, समाज के लिए उन लोगों को आगे लेके चले। सर, एक धान घोटाला चल रहा है, उसमें आज भारतीय किसान यूनियन ने भी CBI की जांच की मांग की है। मैं तो बहुत दिनों से कर रखी है CBI की जांच, और उसके बगैर कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कहां किसने घोटाला किया, क्योंकि कैमोफ्लेज करने की जरूरत नहीं है। सही है, कौन इसका दोषी है, ये CBI की इंक्वायरी के द्वारा ही पता चलता है। सर, अब पुलिस हटा ली गई है सभी। चलो, तो एक अलग बात है, जब मैं CBI की इंक्वायरी होगी तो सही दोषी का पता लग जाएगा। असली नुकसान किसका हुआ है, असली जो झकम खुरता है या नुकसान हुआ, तो किसान का हुआ है। आज जिस प्रकार से आढ़तियों को कहकर राइस मिलों में उनका धान बेच दिया गया, ये आश्वासन देकर उनको दिया जाएगा, किसान को पेमेंट नहीं मिल रही और मजबूरी में उसको सस्ता बेचना पड़ रहा है। और ये इस सीजन की नहीं, पिछले कई सीजनों की कहानी है। हर बारी धान की खरीद में घोटाला होता है, और हमने बहुत दिनों मांग की है कि CBI की इंक्वायरी की जाए
ये बड़ा भारी जो है घोटाला है, हजारों करोड़ का है, कोई 10-5 करोड़ का नहीं है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।